ये बैल हैं दीपक पूनिया पबरसा के। दीपक हमारे परिवार में सबसे ज़्यादा शौकीन है, बस यही शौक करता है। तो जैसे ट्रैक्टर से भी आए, बैलों से भी आए, कोई मेहनत से नहीं दिखाई थी बैलों की? नहीं, कोई मेहनत नहीं। जी लगता है बहुत ज़्यादा जी लगे। कितना टाइम लग गया होगा आने का गांव से यहाँ? ये करीबन 8 घंटे वहाँ गए होंगे। 8 घंटे, और अगर ट्रैक्टर से आते तो 3 घंटे, तो 5 घंटे बचते हो, तो उसको मतलब फायदा नहीं लगता कुछ 5 घंटे बचते? नहीं, कोई फायदा नहीं जी। ट्रैक्टर की अलग है, इसकी बात अपनी अलग है। शौक है ना? हाँ जी। ये शैली है, ये नया अवतारी हुआ है बैलों का शौकीन। किसानों के बच्चे कुदरती शौकीन होते हैं। अब देखिए, एक नए लड़के को और शौक लगा है, कितने प्यार से हाथ फेर रहा है इसको ऊपर को। अगली बार ये भी एक नई जोड़ी लेकर आएगा। तो दोनों बैल अच्छे हैं, कोई सही में दोनों अच्छे बदला मतलब बिल्कुल सही है, बिल्कुल रास्ते में कोई दिक्कत नहीं करी? कोई दिक्कत नहीं करी। काफी बिल्डर लड़के भी साथ में आए थे सपोर्ट में, बैलों के साथ में 2-4 और भी चाहिए सपोर्ट में। बब्बू भी आया था, सोमपाल भी आया था, क्योंकि बैलों के साथ में कई कई को चलना पड़ता है। कोई बाइक पर आता है और कोई इनके टांगे में चलता है। दीपक ट्रॉली में और ट्रैक्टर खड़ाया अलग, उसमें भी आया था, और लेडीज कोई नहीं है, सिर्फ जेंट्स आए थे शौक में घूमने के लिए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। नमस्कार। मेला बहुत ज़बरदस्त है, ये देखिए चारों तरफ पब्लिक आ रही है। अभी तो 3-4 दिन मेला और रहेगा, बढ़ता रहेगा ऐसे ही। दोस्तों, मेले का रंग अच्छा लगा हो तो लाइक करना। नमस्कार।